आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मर्जीना सिंह। आज मैं आई हूं नालस परा वेस्ट सुपारा गांव। निजामुद्दीन सभावन आज उरुस है और 2022 17 जनवरी का उरुस है। आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारी न्यूज में आपका स्वागत है। जो ये आज हजरत निजामुद्दीन बाबा तार थे, फिर शाह बाबा का आज उर्स है। वादा मुल्ला सोपारा वेस्ट में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जो सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं बाबा। हवलदार जही हवलदार ने आज नियाज रखे हैं और दावत भी रखे हैं। और जो बाबा का उर्स है, मैं शुक्रगुजार हूँ जही हवलदार का कि वो बाबा के सेवक है। और मैं रत्नागिरी क्राइम रिपोर्टर जावेद शेख। आज हम लोग काफ़ी सालों से ये सब कुछ करते हैं। जो बाबा का उर्स, जो ये लंगर बांटे जाता है, ये बहुत 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 रहमती वाली चीज़ है। इसमें लाखों पब्लिक आती है, खाती है, दुआ देते हैं। सरकार की बहुत बहुत खुशी। और सत्रह जनवरी और आज जो मंडे है, ये बाबा का खास दिन है। आज का दिन पीर, जो जैसा ये बोलते ना कि भूत के बाद पीर आता है, तो ये बहुत खास दिन है। और ये खास दिन के दिन आज उनको मुबारक जो दिन मिला है, ये बहुत अच्छे तरह मिला है। इसमें कल लाखों पब्लिक आके गरीब जो खाते हैं, सरकार उनको दुआ भी देते हैं। और सरकार का कर्म भी हमारे ऊपर है कि जो जहीर भाई जो ये करते हैं, इनका कर्म है। आज बहुत सारे ऐसे तकरार, ये बाबा का दरबार है। जहीर हवलदार ने मतलब हर साल जहीर भाई करते हैं। हर साल यहाँ लंगर लुटाया जाता है। जही रोशन हवलदार जो है, ये बहुत यहाँ लंगर लुटाते हैं। और कभी ऐसा कोई दिन नहीं है कि इनके इनमें कोई चीज़ में हम कमी होने दी। जितना भी हम दिल से बिल्कुल करते हैं। और काफ़ी मीडिया वाले भी सपोर्ट करते हैं हमारे सरकार को, इनका गर्व है मीडिया के ऊपर। अभी आपको ऐसे एक बात बता दूँ कि जही हवलदार जो है, उनके वसीले से बहुत उनके ऊपर प्रेशर आता था, तो उनके वसीले से वो बचे। उनकी दुआ है सरकार की, सरकार का हाथ है उनके ऊपर, और बहुत वसीले से बचे हैं। तो काफ़ी साल से हम ये सब कुछ करते आ रहे हैं। कैमरामैन सोनू के साथ मैं मर्जीना सिंह न्यूज़ पर।